हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इसराइल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेचर लवर इसराइल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बोगनविलिया प्लांट का देखभाल कैसे करें, कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे बोगनविलिया प्लांट पे फ्लावर्स नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, बोगनविलिया फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होता है और इसे लगाना सब बहुत ही पसंद करते हैं और इसके कलर भी बहुत सारे आते हैं। चाहे आप देसी वाले लगाएं या हाइब्रिड वाले लगाएं, सभी दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप बोगनविलिया प्लांट को अपने आंगन या बालकनी आप कहीं पे भी लगाते हैं तो बहुत ही फ्रेशनेस लाता है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप ज़रूर अपने गार्डन में बोगनविलिया के बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बोगनविलिया प्लांट में फ्लावर्स नहीं आने का कारण यही होता है कि टू मच फर्टिलाइज़र आप अगर इसे देंगे तो क्या होगा ना, इस पर फ्लावर्स नहीं आएंगे। अगर आप इसे सैडेड प्लेस पे लगाए हैं, इसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, तब इस पर फ्लावर्स नहीं आएंगे। अगर आप इस पर ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो इस पर फ्लावर्स नहीं आएंगे, या आप इसका मिट्टी जो होता है सॉइल मिक्सर आप वेल्डर नहीं बनाए हैं तो उसके वजह से भी आपके प्लांट पे फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो क्या करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी पर फ्लावर्स लेना है? फ्रेंड्स, अगर आप बोगनविलिया प्लांट का रिपोर्ट करते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें, जब इसका सॉइल मिक्सर आप तैयार करें तो आप 60% गार्डन सॉइल लें और 20% उस पर सैंड ऐड करें जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है, और उस पर 20% आप कंपोस्ट ऐड करें। कंपोस्ट में आप गोबर की खाद ले सकते हैं जो एक साल दो साल पुराना खाद हो, या नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो अगर इस टाइप के सॉइल मिक्सर पे आप लगाएंगे प्लांट तो क्या होगा ना, मिट्टी वेल्डन मिट्टी बनेंगे और क्या होगा ना, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा गमले में। अगर ज़्यादा पानी रुकेगा क्या होगा ना, प्लांट्स पे सिर्फ पत्ते ही पत्ते आएंगे और फ्लावर्स आएंगे ही नहीं। फ्रेंड्स, बोगनविलिया प्लांट को वार्म टेम्परेचर बहुत ही पसंद होता है। जब इसके फ्लावर्स पेंट होने लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से हमको कट कर देना है। तो कट करने के बाद फिर क्या करना है, एक मुट्ठी गमले के हिसाब से आपको गोबर की खाद लेना है, खाद लेकर मिट्टी की गुड़ाई करके आप उस पर डाल देना है। तो आप इसे जल्दी जल्दी फर्टिलाइज बिल्कुल ही ना करें, जब इसके फ्लावर्स पेंट हो जाएं, जब इसको कट करें तब इसको आप गोबर की खाद ही दें तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, बोगनविलिया प्लांट के लिए 10 से 12 इंच का गमला बहुत ही अच्छा होता है। जितना ज़्यादा इसका रूट माउंट होगा इस पर उतने ही ज़्यादा क्वान्टिटी पर फ्लावर्स आएंगे। और इस प्लांट को आप ऐसे जगह लगाएं जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप इसे अच्छे से मिल सके। फ्रेंड्स, बोगनविलिया प्लांट में कुछ इंसेक्ट अटैक सब कुछ भी नहीं होता है, आप सिर्फ इसका पानी का ध्यान रखें और फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें, ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको ना दें। और फ्रेंड्स, इसका ब्लूमिंग टाइम स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेकर मई तक, ये बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करता है। बोगनविलिया प्लांट कटिंग से बहुत ही ईजिली लग जाता है, मैंने भी इसके कटिंग से एक प्लांट मैंने बनाया है, तो आप भी इसके कटिंग लेकर बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो रेनी सीजन में इसके कटिंग से आप बहुत सारा प्लांट बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।